राज्यसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें और आज से राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन जो है वो शुरू हो रहा है। 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया रहेगी। 3 सितंबर को राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होना है। तो हरियाणा में देखिए उपचुनाव होना है राज्यसभा सीट पर। 3 सितंबर को ये उपचुनाव जो है वो होगा और उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस ने अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। विधायकों की संख्या की अगर बात करें तो भाजपा क्रॉस वोटिंग के सहारे कहीं ना कहीं बनी हुई है, यानी कि अगर विपक्ष में क्रॉस वोटिंग होती है तो इसका फायदा जो है भाजपा को मिलेगा। राज्यसभा सीट पर होने वाले इस उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। बता दें आपको 3 सितंबर को इसके लिए वोटिंग होगी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से हालांकि उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए हरियाणा में अभी 4 राज्यसभा सांसद हैं, सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा, कृष्णलाल और कार्तिकेय शर्मा, और वहीं जो सीट एक खाली हुई है उस पर ये उपचुनाव होना है और ऐसे में नामांकन प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन किसी भी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई कहा जा सकता है कि चेहरे की घोषणा जो है वो नहीं हुई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित, 3 सितंबर को वोटिंग होनी है और आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए, और क्या जानकारी इस पर? सीट जो दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद जो है वो रिक्त हो गई थी, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक भी कोई उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए, ना ही कांग्रेस के और ना ही भारतीय जनता पार्टी के, और यह है ज्यादा संभावना इसकी यही लग रही है क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं है। इसका सीधा लाभ सत्ता पक्ष को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपना उम्मीदवार निर्वाचित करवाकर भेजने का काम करेगी। और देखिए, एक सीट जो खाली हुई, दीपेंद्र हुड्डा जब लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए तो यह ऑटोमेटिकली यह सीट जो है वो रिक्त हो जाती है और उसकी जो रिक्ति के लिए जो तमाम दूसरी सीटें इसी तरह से देश भर में हुई है उनके साथ ही नोटिफिकेशन जारी हुआ और एक साल का करीब कार्यकाल इसमें बचा हुआ है। और अब ईसीआई की ओर से भी देखिए उपचुनाव के लिए जो इस चुनाव के लिए तैयारियां कर दी गई है और आईएएस जो अधिकारी है साकेत कुमार, उन्हें रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है और 21 अगस्त नामांकन की अंतिम तिथि है और 27 अगस्त को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे, 3 सितंबर को वोटिंग होगी। यह पूरी जो नोटिफिकेशन है और देखिए साथ साथ यह एक खास बात है कि जो चाहवान कई है, सीट जरूर एक है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी काफी लोग ऐसे हैं, चाहे किरण चौधरी की बात करें, बंटो कटारिया की बात करें, कुलदीप बिश्नोई है, कैप्टन अभिमन्यु है, ऐसे कई नाम हैं जो राज्यसभा में जाने को इच्छुक हैं। तो देखने वाली बात है कि किस पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विश्वास जताता है और इस सीट के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाता है। और खास बात यह है कि किरण चौधरी की देखिए भारतीय जनता पार्टी में वे शामिल हुई हैं लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा ना उन्होंने दिया है और कांग्रेस लगातार कोशिश करती है, कर रही है कि उन्होंने स्पीकर को भी कहा कि ये जो दल बदल हो गया है तो इसे उन्हें निकाला जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, लेकिन अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो सबसे अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के जो विधायक हैं वो बराबर हैं लेकिन सत्ता पक्ष का पलड़ा इसलिए भारी दिखाई देता है क्योंकि क्रॉस वोटिंग निश्चित रूप से होगी, किरण चौधरी भी उनके पाले में है और साथ साथ जो जेजेपी के भी कई विधायक उनके संपर्क में हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से देखिए एक बड़ा खेला जो है वो राज्यसभा चुनाव में होगा और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो जो निश्चित रूप से राज्यसभा में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अमित, आपने सही कहा और कहीं ना कहीं कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल भी इस बात को समझ रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि क्रॉस वोटिंग के सहारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस राज्यसभा चुनाव में है। लेकिन इस बीच देखिए हमने तमाम राजनीतिक बयानबाजियां भी सुनी, राजनीति भी हो रही है। अगर विनेश फोगाट का जिक्र किया जाए तो उनके नाम को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया कि राज्यसभा भेजने की हम भेजते अगर हमारे पास संख्या बल होता। इधर दुष्यंत चौटाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार कहा गया था कि अगर किसी खिलाड़ी को कांग्रेस आगे बढ़ाती
रही है उसका चेहरा आगे लेकर आती है तो पूरा समर्थन हम करेंगे। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से क्या लग रहा है, अमित एकजुट होकर प्रबल दावेदार कोई सामने लेकर आ सकता है विपक्ष? देखिए सृष्टि, एक तो खिलाड़ियों को लेकर जो बयान चाहे दुष्यंत चौटाला ने दिया है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है विनेश फोगाट को लेकर, तो विनेश फोगाट के मामले में जैसा पहले ही इस बात की चर्चा हो चुकी है कि उनकी जो जन्म की जो उनका जो 30 वर्ष है वो अभी 25 अगस्त को पूरी होंगी, तो ऐसे में उनका देखिए 21 अगस्त का नामांकन का आखिरी दिन है, तो ऐसे में उनका तो दावेदारी उनकी बनती भी नहीं है। और दूसरा कि जब दूसरे उम्मीदवार विपक्ष के उम्मीदवार सत्ता पक्ष के यानी कि अपने विरोधी को भ्रम में डालने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए और साथ साथ जनता के भीतर माहौल बनाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं कि खिलाड़ी को भेज दिया जाए, फलाना प्रतिष्ठित व्यक्ति को भेज दिया जाए, लेकिन एक ये सबसे बड़ी बात है कि जब उनका मौका आता है तो उन्हें भी अपने ही घर परिवार का सदस्य दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। और देखिए पहले भी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, उस समय भी कांग्रेस में भी अपने जो बड़े नेता जो केंद्र में बैठे हैं, चाहे वो अजय माकन की बात करें या वो दूसरे प्रदेशों के नेता हैं, उनको यहाँ लाकर उम्मीदवार बनाने का काम किया गया, तो ऐसा ही परिपाटी रही है, जो वरिष्ठ नेता होता है और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व जिसके सिर पर हाथ रखता है वही उम्मीदवार बनता है। तो ऐसे में खिलाड़ी की और प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात जो है वो केवल बयानबाजी है, लेकिन सियासत में इन बयानों का मतलब तो होता है जनता में माहौल बनाने के लिए, लेकिन हकीकत से ये बयान जो है जुदा होते हैं। तो ऐसे ही स्थिति अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस पर अपना भरोसा जताती है। जी बिल्कुल, कुछ चेहरों का भी आपने जिक्र किया, कहा यह भी जा रहा था कि महिलाओं को आगे बढ़ा सकती है, प्रबल दावेदार महिलाएं भी हो सकती हैं, लेकिन इस बीच कैप्टन अभिमन्यू का भी नाम सामने आया है, कुलदीप बिश्नोई का भी आ रहा है, देखने वाली बात होगी कौन किसको भारतीय जनता पार्टी जो है उतारती है। फिलहाल के लिए अमित बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद।